15 दिसंबर को लखनऊ के एक्सपो मैदान में ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के ग्राम सचिवालय का लोकार्पण भी किया जाएगा। जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद से 1284 ग्राम प्रधान, 1161 पंचायत सहायक, 260 ग्राम पंचायत अधिकारी और 20 सहायक पंचायत अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित ग्राम प्रधानों को शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ये जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत उत्कृष्ट समारोह है, जिसमें सभी ग्राम पंचायत जो 58,000 ग्राम पंचायतें जो उत्तर प्रदेश की हैं और 1294 ग्राम पंचायतें जो गोरखपुर की हैं उसके सम्मानित प्रधानगण और पंचायत सहायक जिनकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में की गई है, जिनकी ट्रेनिंग लगभग चल रही है, कई जगह पर कई जगह समाप्त हो गई है, जिनको कि 1 दिसंबर 2021 से उनको मानदेय भी मिलेगा, 6,000 रुपये का मानदेय सरकार की ओर से घोषणा किया गया। उनका जो रोल है पंचायत सहायक के अलावा वो डेटा एंट्री ऑपरेटर कम जो है अकाउंटेंट की भूमिका निभा रहे हैं। ये सभी इन सभी जो 1,16,000 प्लस जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनका और जो ADO पंचायत हैं उन सबों का सम्मेलन वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हो रहा है। डिफेंस एक्सपो मैदान जो लखनऊ है उसमें कई तरह की घोषणाएँ भी की जाएंगी। इसके अलावा जो पंचायत सचिवालय है, जो पंचायत भवन है, उसका लोकार्पण भी एज ए पंचायत सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। क्या मकसद है पूरा पंचायत सम्मेलन का? जहाँ तक ये है कि जितने भी पंचायत भवन हैं उन सबों का लोकार्पण वहाँ कराया जाएगा। उसके अलावा जो नए जो पंचायत सहायक की जो नियुक्ति हुई है उन सबों का वेलकम किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा कि वो लोग अब पंचायत राज परिवार के हिस्सा हो गए। और इसके अलावा कुछ घोषणाएं जो हैं प्रधान जी लोगों से संबंधित जो है ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ घोषणाएं भी शायद सरकार की तरफ से की जा सकती है। शासन की योजनाएं भी बताई जाएंगी? शासन की योजनाओं के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। शासन की योजनाओं से रिलेटेड ही है, उसमें जो मनरेगा है या राजवित्त केंद्रीय वित्त की जो से जो कार्य योजनाएँ जो बनती हैं, जो योजनाएँ चल रही हैं, और जो पंचायत भवन के अंतिम सिल के जो बाकी जो योजनाएँ उन सब पर भी चर्चा वहाँ की जाएगी। सम्मेलन जहाँ के प्रधान जी लोगों के साथ साथ मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे और उसके अनुसार जो है बाकी आगे जो कार्रवाई।